बजने वाला है और मैं जा रहा हूँ भोलेनाथ को जल चढ़ाने के लिए, और पूजा करने के बाद ही जाएंगे शॉप, दुकान खुलेगा, क्योंकि मेरा दिन शुरू होता है भोलेनाथ को जल चढ़ाने के बाद ही। ये मैं जा रहा हूँ काले हनुमान के मंदिर। ये देखिए आप लोग को रास्ता दिखा रहे हैं, एक गली का नाम है जिया तमोली गली। बस मेरे घर से मुश्किल से 2 से 3 मिनट का रास्ता है, और बस काले हनुमान मंदिर पहुंचने वाले हैं। बस जिया तमोली गली में घुस जाइए और किसी से भी पूछिए काले हनुमान जी का मंदिर कहाँ पे है, वो आपको बता देंगे। ये देखिए पटना सिटी काले हनुमान जी का मंदिर, एक चौराहा आ गया, चौराहा से सीधे जाना है। थोड़ी ही देर में मंदिर पहुंचने वाले हैं। देखिए बगल में एक घर टूट रहा है, ये नई तरीके से बनेगा। बस हम काले हनुमान मंदिर पहुंचने वाले हैं। हम भोलेनाथ को जल चढ़ाने के बाद ही मेरा काम शुरू होता है, उससे पहले मेरा कोई काम नहीं होगा और कोई लेट फेट नहीं होता है मेरा, जब तक हम जल नहीं चढ़ाएंगे। दुकान जाएंगे ही नहीं। ये देखिए मंदिर आ गया, मंदिर का गेट है, ये पीछे का दरवाज़ा है, और मंदिर पहुंचने वाले हैं। ये देखिए यहाँ से फूल लीजिए, ₹10 का भैया फूल माला दीजिए, और ये दीजिए एगो बेल पत्थर दीजिए। प्रतीक श्री काले हनुमान मंदिर मछा पटना सिटी।